केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करती, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ जरूर रिएक्शन करती और कंपाउंड बनाती, प्रोडक्ट बनाती। मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन जरूर करती हैं। एग्जाम्पल फॉर सल्फर सॉलिड स्टेट में है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ H2S4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको डिसॉल्व कर रहे हो, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, तो सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, वाटर। रिएक्शन बैलेंस से चेक करें आप इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन 2^4 है, यहाँ पर भी 2^4 है, सल्फर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एक सल्फर, ये और यहाँ पर 3 सल्फर हो गए हैं, यहाँ पर 2 सल्फर और 1 सल्फर, कितने हो गए हैं 3 सल्फर। तो यहाँ पर भी 3 लाने के लिए क्या करोगे बताएं, 3 का मल्टीप्लाई, फिर इधर कितना करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर ट्राई की जगह कितना रहेगा डाई। देखिएगा आप ध्यान से, अब यहाँ पर सल्फर कितने हो गए 2 और 1 कितने हो गए 3, तो यहाँ पर भी 3 सल्फर। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर सल्फर ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया और वाटर रिलीज कर दिया। सल्फर की रिएक्शन में HNO3 से करवा रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और इनकी रिएक्शन से बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 को डाई कहते हैं आप और 4 मतलब ऑक्साइड, और ये बन गया आपका वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी वेरी गुड। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई है 6। ऑक्सीजन कितने हो जाएगा, 6 × 3 = 18, यहाँ पे 12, 12 और 3 कितने रहेंगे फ्रेंड्स, 12 और 3 कितने रहेंगे 15। ओके तो मिनट बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर HNO3 जो है वो, या सल्फर जो है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेंट्रेटेड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, कैसा है ये कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, ये HSO मिलके HSO4 बनाएगा H2S4, N और ऑक्सीजन मिलके NO2 बनाएंगे और HNO मिलके क्या बनाएगा वाटर। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो देखें यहाँ पर ये 2^4 प्लस 2 कितने हो गए 6। सल्फर एक है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए सल्फर, उस साइड भी एक हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 × 3 = 18 हो गए, और यहाँ पर 12 प्लस 2 कितना 14, 14 प्लस 4 कितना 18, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे बताएं 6 है, तो ये बैलेंस करके दिखा दिया था 4 प्लस 2 कितना 6 हो गया। सल्फर एक है, इधर भी सल्फर कितना हो गया 1 है। अब समझिएगा, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैं मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से करवा रहा हूं, समझिएगा। मेटल्स में प्रॉपर्टी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड क्या, ध्यान से सुना, मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, आप जानते हो सब अच्छे से। और नॉन मेटल वो सारे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सारी स्टडी मैंने आपको करवा दी। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को नॉन मेटल क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे, तो दोनों जो एटम्स हैं मेटल और नॉन मेटल के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन्स में, और दोनों आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहेंगे अपन, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयन्स या टू एटम्स, दो एटम या दो आयनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को बॉन्ड कहते हैं।
तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगी तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन बन गया मेटल, नेगेटिव आयन बन गए नॉन मेटल, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़ जाएंगे और बनने वाले इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इन आयनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कोई ने पूछा आयनिक बॉन्ड क्या, तो बड़ा सिंपल सी बात है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, समझ आ रहा है, ऑफ एनी कंपाउंड, दो किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल में दो आयनों के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हो आप, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जोर से बोलो, यहाँ पर देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, के एल एम शेल तीन शेल है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना, 2, 8 और 1 आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 7 और चाहिए। मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में के एल एम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में के में 2 है, एल में 8 है और 12 एम में 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक समझ में आ रहा है, अगर सोडियम ने कहा कि भाई मुझे 7 चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आने वाले, लेकिन अगर क्लोरीन ने कहा मेरे को 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से आ सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये शेल फिनिश हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे 8, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आने से यहाँ टोटल कितने 17 और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन आने से माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन बन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन जाएगा। दोस्तों यही बात समझ लीजिए, और ये दोनों आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो बनने वाला कंपाउंड है NaCl उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, यही समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव आयन बन गया, सोडियम एटम था, सोडियम आयन बन गया पॉजिटिव आयन, जिसको कैटायन भी कह सकते हो आप, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया, और इसको एनायन भी कह सकते हो आप, और कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन आयनिक बॉन्ड कहते हैं, बनने वाले कंपाउंड NaCl को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच की रिएक्शन होगी क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। नहीं आ रही बेटे सब पूछ लो, मींस दैट हम आयनिक बॉन्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन टू द अनदर एटम। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, when the electron, one electron, an electron is transferred from one atom to the another atom. एक एटम से दूसरे एटम की ओर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और आयनिक कंपाउंड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक, खाने का नमक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है आपको, तो आयनिक कंपाउंड आयनों से बना है, आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सारे आयन्स बिल्कुल क्लोज हैं, और ये इसीलिए क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। मतलब आयनिक कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन क्रिस्टलाइन स्टेट। समझ आगे सभी को, एग्जाम्पल फॉर आप सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, बताइए आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल जितने भी हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि आयनों से बने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं दूसरे कंपाउंड की तुलना। क्लियर हो गया सभी को, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे या मोल्टन स्टेट में लेंगे आप इनको, पिघली हुई अवस्था में लें या एक्वस फॉर्म में लें, मतलब जलीय अवस्था में लें, पानी में घोल डिसॉल्व करके इनको लें, और पानी में डिसॉल्व करके या इनको मोल्टन स्टेट में लेकर के
दो इलेक्ट्रोड डाल करके करंट फ्लो करोगे तो आसानी से क्या करेंगे, ये करंट फ्लो करने लग जाएंगे। समझते सर ऐसा क्यों, बताता हूँ देखिएगा। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आयनों में कन्वर्ट हो जाए, आयंस बन जाएंगे। और आयंस जो है चार्ज है, इनके ऊपर देखें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। देखिएगा जब आप, मैंने कहा कि आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो ये आसानी से आयनाइज हो जाएगा, आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, आयंस क्रिएट करेगा। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड डिप करके आप करंट फ्लो करोगे तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगा, उधर मूव करेगा, ये नेगेटिव आयन एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा, उधर मूव करेगा, और पूरे सॉल्यूशन में चार्ज मूव करने लग जाएगा, चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। और चार्ज फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर करंट फ्लो करोगे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, दोनों आयन मूव करने लग जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएंगे। मतलब आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। आप आयनिक कंपाउंड जैसे ये है, अगर इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करते हो तो ये डिजोल्व नहीं होगा। जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, और भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके नाम अभी आपको बताने से मतलब नहीं है, ठीक है, ये उसमें इनसॉल्युबल होगा, उसमें नहीं घुलेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए आप जो है इसको पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो, पोलर सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करोगे नमक को तो आसान, पोलर सॉल्वेंट वाटर, ठीक समझ में आ रहा है। इसको पोलर सॉल्वेंट क्यों बोला बता देता हूँ मैं आपको। वाटर के अंदर दो आयन होते बेटे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पर प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, प्लस पोल और कौन सा माइनस पोल। और इन दोनों आयनों की वजह से जब आप NaCl जैसे आयनिक कंपाउंड को वाटर पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो आयनों में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इन्हीं चार्ज की वजह से। तो आयनिक कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्युबल है। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट की ये सॉरी आयनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो क्या होता है, इनसॉल्युबल, वो डिजोल्व नहीं होता। जैसे कैरोसिन के अंदर नमक नहीं घुलेगा, पेट्रोल के अंदर नमक नहीं घुलेगा, लेकिन वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें आसानी से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते और पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा।